जापान के अगले प्रधानमंत्री योशिदा होगा होंगे ये लगभग तय है। वो प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जगह लेंगे। शिंजो आबे के कार्यकाल के दौरान 71 साल के योशिदा सुगा कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनके यहां तक आने का सफर बहुत ही रोमांचक, उतार चढ़ाव और संघर्ष भरा रहा है। आइए नजर डालते हैं उनके जीवन संघर्ष पर। सुगा के पिता स्ट्रॉबेरी की खेती करते थे। उन्होंने टोक्यो के होसेई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। इसके तुरंत बाद वो संसदीय चुनाव में सक्रिय हो गए थे। राजनीति में उनकी दृढ़ इच्छा। 1987 में वे योकोहामा सिटी काउंसिल बन गए और 1996 में वे पहली बार जापान की संसद के लिए चुने गए। साल 2005 में उनके जीवन में बड़ा पड़ाव तब आया जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें आंतरिक मामलों और संचार विभाग का वरिष्ठ उपमंत्री बना दिया। सुगा 2012 से प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ काम कर रहे हैं। साल 2012 से सुगा कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर रहते हुए शिंजो आबे का भरपूर साथ दे रहे हैं। सुगा को पर्दे के पीछे से काम करने वाले व्यक्ति की तरह पहचाना जाता है, जो काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। यूं तो सुगा के सामने कई चुनौतियां होंगी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती होगी कोरोना वायरस से निपटना। इसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट को भी खत्म करना होगा, टेस्टिंग बढ़ानी होगी और देश में सुरक्षा का माहौल बनाना होगा। विदेश नीति की बात करें तो चीन की आक्रामक नीति का जवाब देना होगा, भारत के साथ हुए सैन्य समझौतों को आगे बढ़ाना होगा और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जैसे देशों के साथ गठजोड़ को और भी मजबूत करना होगा। वहीं आंतरिक चुनौतियों की बात करें तो देश में नए राष्ट्रपति के साथ तालमेल बिठाना होगा और अगले साल के लिए टाले गए टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों का जायजा लेना होगा। इसके अलावा देश में पैदा हुई असंतुलन की स्थिति को फिर से सामान्य करना होगा। उनके प्रधानमंत्री बनने की स्थिति शिंजो आबे के पद छोड़ने के कारण पैदा हुई है। शिंजो आबे 2012 से जापान के प्रधानमंत्री हैं और उनका कार्यकाल 2021 में खत्म होना था। सुगा अब उनके कार्यकाल को 2021 तक पूरा करेंगे। सुगा को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राइट हैंड माना जाता है। 28 अगस्त को पूरा जापान उस वक्त हैरान रह गया था जब आबे ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की थी। शिंजो आबे ने इसके पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। शिंजो आबे को अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी है। ये वही बीमारी है जिसने साल 2006 में भी शिंजो आबे से उनका प्रधानमंत्री पद छीना था। उस वक्त शिंजो आबे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उस वक्त शिंजो आबे कुछ समय बाद ही ठीक हुए थे। फिर उन्होंने 2012 में एक बार फिर सत्ता पर वापसी की थी। योशिदा सुगा ने जापान के सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि LDP लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर चुनाव जीत लिया। सोमवार 14 सितंबर को हुए चुनाव में सुगा को 534 में से 377 वोट मिले, जिससे ये साफ हो गया कि पार्टी में सुगा को प्रधानमंत्री बनने को लेकर कोई दो मत नहीं है। शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री पद छोड़ने से पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 30 मिनट लंबी बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने भारत और जापान के बीच हुए सुरक्षा समझौतों पर अपनी खुशी जाहिर की थी। उन्होंने दोनों देशों के बीच कोरोना महामारी से लड़ने और अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहयोग की बात भी की थी। उम्मीद है योशिदे सुगा जापान को संकट की इस घड़ी से निकालकर विकास की एक राह पर ले जा पाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया के अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें तरकश।